नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से बड़ी खबर है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सिविल और अभियंता अमरीश गौतम को निलंबित कर दिया गया है। कार्य में की गई लापरवाही, नियम विरुद्ध तरीके से कार्य करने और कराने तथा विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाने के कारण बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण कल निलंबित कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अवर अभियंता अमरीश गौतम पर 9 बिंदुओं के आधार पर दोषी पाया गया है। इसमें आवासीय परिसर में छतों की मरम्मत का अधूरा कार्य, विश्वविद्यालय को गुमराह कर पैसे निकालने तथा संबंधित ठेकेदार को पैसे नहीं देने, रसायन विभाग के प्रयोगशाला में उचित पैमाइश में कार्य नहीं कराने, झलकारीबाई महिला छात्रावास में मरम्मत का कार्य उचित तरीके से नहीं करने, पर्यटन एवं होटल प्रबंधन विभाग में बिना किसी अनुमति के टॉयलेट को तोड़ने, बीटेक भवन में प्रयोगशाला निर्माण, स्टेडियम में बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण में अनियमितता पाई गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार अवर अभियंता अमरीश गौतम द्वारा सामान्य आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर गाली भी दी गई है, जिसके वीडियो ऑडियो वायरल हुए हैं, जिससे विश्वविद्यालय की छवि प्रभावित हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय समय पर इस संबंध में अवर सिविल अभियंता अमरीश गौतम से स्पष्टीकरण भी मांगा, लेकिन उन्होंने इसके जवाब देने के स्थान पर कुल सचिव पर पैसे मांगने का आरोप लगा दिया। कुल सचिव नारायण प्रसाद ने बताया, अमरीश गौतम द्वारा गलत विधि से ACP मांगी जा रही है, जिसे नहीं दिए जाने पर यह निरर्थक आरोप लगाया गया है। कुल सचिव नारायण प्रसाद द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अवर अभियंता अमरीश गौतम को निलंबित करते हुए विश्वविद्यालय परिषद में प्रवेश बंद करा दिया गया है। इसके साथ ही अन्य प्रशासनिक कार्यवाही भी की जा रही है। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। एक मिनट हमारे साथ।